गाइस ये है दुनिया का सबसे कीमती डायमंड और क्योंकि ये यहाँ पर बिल्कुल सेफ है मैं सोच रहा हूँ आज मैं टाइम से नहा लेता हूँ। अबे ये क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। मेरा डायमंड कहाँ पर गया? ये तो एगमैन है। अबे ओए मेरा डायमंड वापस कर। ये डायमंड मेरे स्पेस के एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो टडा। अबे ओह शिट, एगमैन ले गया वो कीमती डायमंड, वो भी स्पेस में। गाइस आपको तो पता ही है स्पेस यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, मुझे कैसे भी करके वहाँ तक पहुँचना होगा। आउच, अबे स्पेस पर जाना है, छत पर नहीं। तो ठीक है, स्पेस तक पहुँचने के लिए हमें करनी होगी जंप प्रैक्टिस। एक मिनट, ये कौन है यहाँ पर? अबे इस तालाब में तू कर क्या रहा है? छी छी छी, वैसे भी मैंने नहाने का प्लान कैंसिल कर दिया था। चलो इस तालाब के ऊपर से कूदते हैं। ये तो काफी आसान था, पर मुश्किल वाली जंप तो आगे आने वाली है, जिनके ऊपर से जंप करने के लिए हमें अपने जंप लेवल को और भी बढ़ाना होगा। मैं तो अभी से लंबी लंबी छलांग मार रहा हूँ। जंप लेवल है 200, क्या बोलते हो भाई लोग? वहाँ ऊपर छत पर जंप मार के देखें क्या? वो वो वो, क्या बात है, जंप लेवल 400 हो चुका है और ये तो बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। अरे अरे नहीं नहीं, आउच आउच। उस पेड़ के ऊपर से कूदते हैं और गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आउच, क्या बचाऊं, चलो हमने कर तो दिया। एक फायर ट्रक के ऊपर से कूदना तो आसान है, पर क्या मैं 10 फायर ट्रक के ऊपर से कूद पाऊंगा? लगता है हो जाएगा। कमॉन, हो गया। कि पता नहीं बीच में क्या अजीब सी चीज है। कोई नहीं, हमें तो अपनी जंप लेवल को इम्प्रूव करना है। अरे 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 नहीं, ये तो ज्यादा ही ऊंचा निकला। इससे पहले मुझे कुछ और आसान सी चीज ट्राई करनी चाहिए, जैसे वो कोलोसल टाइटन। उसकी हाइट उस अजीब से स्टैचू से तो काफी छोटी है। तो कूदते हैं। क्या बात है, ये तो आसानी से हो गया। अब बारी है उन टाइटन्स की। पहले जो ये लेटा हुआ है ना, इसके ऊपर से जंप मारते हैं। अच्छा सुन भाई, मैं तेरे ऊपर से कूदने वाला हूँ, तो गलती से भी हिल मत जाइयो। बीच में से तो कूदना सिंपल था, मैं सोच रहा हूँ वर्टिकली कूदा जाए, मतलब ऐसे। ये हुई ना बात। तू बुरा मत मान भाई, तेरे ऊपर से भी कूद रहा हूँ। अबे मैं तो उसके आर पार ही हो गया। ओ शिट। तू जान के यहाँ पर खड़ा हुआ था ना, ताकि मैं पानी में गिर जाऊं। खैर इसे पंगे लेने का कोई फायदा नहीं है। चलो वापस से उस स्टैचू के ऊपर से कूदते हैं, इस बार तो हो जाएगा। अबे कितनी आसानी से हो गया ये तो। अब कौन सी चीज पर से कूदे? अबे वो ब्लिम कुछ ज्यादा ही नीचे नहीं आ गया। वैसे अच्छा ही है, अगर ज्यादा ऊपर होता तो उतनी ऊंची जंप मैं अभी मार नहीं पाता। ये लो, बूम, हो गया। अब बारी है कुछ तूफानी करने की। गाइस आपको तो समझ में आ गया होगा हम यहाँ पर क्यों आए हैं। नहीं समझ आया तो मैं समझा देता हूँ। हम ट्रेन के ऊपर से जंप मारने वाले हैं, और वो भी चलती हुई ट्रेन के ऊपर से। वो ट्रेन सामने से आएगी और हमें उसे एक जंप पे पूरा पार करना होगा। ट्रेन आ रही है गाइस, तो थोड़ा पैरों को स्ट्रेच कर लेते हैं। अब थोड़ी स्पीड में भागते हैं। गाइस देख रहे हो ना, हमने चलती हुई ट्रेन को एक जंप पे क्रॉस कर लिया। एक बार फिर से करते हैं, और ये लेवल तो बढ़ते जा रहा है। गाइस क्या इंक्रीमेंट हुआ है, जंप लेवल देखो, ये 50,000 को पार कर चुका है। गाइस सामने आप वो ऑब्जर्वेटरी देख रहे हो, उसके ऊपर कुछ गोल गोल है, मुझे पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, पर हमें डायरेक्टली यहाँ से जंप करके वहाँ पहुँचना है। और ये पहुँचने वाला हूँ। गाइस हाँ, हमने कर लिया, हम ऑब्जर्वेटरी के टॉप पर हैं और जंप लेवल 70,000 से ऊपर जा चुका है, जिसे मैं अभी और भी बढ़ाने वाला हूँ। जंप लेवल बढ़ा क्यों नहीं? एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, उस सामने वाले स्टैचू के ऊपर से कूदते हैं। जंप, अबे फिर से कुछ हुआ क्यों नहीं? अब ये क्या पंगा है, कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा जिससे मैं अपनी जंप लेवल को बढ़ा पाऊं। शायद मुझे पता है हमारी मदद कौन करेगा। नो, मैं जानता हूँ सुपर सोनिक, तुम्हें जंप पावर चाहिए, मेरा चैलेंज पूरा करो और बदले में 1,00,000 जंप लेवल जीत लो। वो 1,00,000 जंप लेवल, पर करना क्या होगा? तुम्हें मेज बैंक के टॉप तक पहुँचना है। देखकर तो लग रहा है कि मैं कर ही लूंगा, पर याद रहे अगर तुम जमीन पे गिरे तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कर दी ना तुमने उंगली। गाइस ये थोड़ा मुश्किल हो चुका है, पर मेरे पास एक प्लान है। हम छोटी बिल्डिंग से बड़ी बिल्डिंग में जंप मारते हुए आगे बढ़ेंगे, इससे नीचे गिरने का रिस्क काफी कम हो जाएगा। अब सामने उस लाल वाली बिल्डिंग पे कूदते हैं। चलो पहुंच गए यहाँ पर। तो ये तो होटल टेम्पलर है, हमने कौन सा कमरा बुक कराना है यहाँ पर? तो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर भी सही सलामत पहुंच चुके हैं। अब अपनी लोकेशन का आइडिया लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ बगल वाली बिल्डिंग पर कूद के आगे बढ़ा जाए।
गाइस सामने वो बिल्डिंग देख रहे हो, वो बीच वाली बिल्डिंग नहीं, उसके भी पीछे वाली बिल्डिंग, हमें वहाँ उतना दूर जम करना है। तो थोड़ा पीछे को जाते हैं और कमान 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 बूम हो गया। गाइस हम धीरे धीरे मेज बैंक के पास पहुंच रहे हैं, पर गाइस अपने भाई को इंस्टाग्राम पर सपोर्ट तो कर दो, तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे जाओ और फॉलो करो। इस वाली एफआईबी की बिल्डिंग को देखो, ये आसपास की बिल्डिंग से काफी ऊंची है, इस पर पहुंच गए तो हम काफी ज्यादा हाइट पे पहुंच जाएंगे, तो पहले इसके पास पहुंचते हैं। एक बारी और, हाँ ये जगह एकदम ठीक है सामने उस बिल्डिंग पे कूदने के लिए। अरे नहीं नहीं नहीं, हाउ शॉर्टकट के चक्कर में अभी मैं डिस्क्वालीफाई हो जाता। अब ये वाली बिल्डिंग तो हमने हाफ क्रॉस कर ली है, तो जल्दी से बचा हुआ हाफ भी क्रॉस कर लेते हैं। हो जा, ओ भाई हो गया। फाइनली सामने है वो मेज बैंक, और हम मेज बैंक के पास की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर है। स्टेयर से ऊपर चलते हैं और आइडिया लेते हैं। वैसे मेज बैंक है तो सामने, पर यहाँ से डायरेक्टली मेज बैंक पर कूदना काफी रिस्की हो सकता है, तो उस बिल्डिंग पर कूदते हैं जो मेज बैंक के सबसे पास है। हाँ वो सामने वाली बिल्डिंग, एक दो हो जा यार, हो गया। हम मेज बैंक के और भी पास पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्द वो 1,00,000 जंप लेवल मेरे हो जाएंगे। पहले थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, अब ठीक है, एक सुपर जंप, बस एक सुपर जंप। एंगल से रख, बूम, फाइनली हम मेज बैंक के ऊपर पहुंच चुके हैं। गाइस जंप लेवल देखो, ये 2,50,000 से ऊपर हो चुका है और मैं इस पावर को फील कर पा रहा हूँ। चलो यहीं से चेक कर लेते हैं। पर गाइस मुझे लगता है ना इम्प्रूवमेंट का अभी और भी स्कोप है, मतलब स्पेस तक पहुंचने के लिए 3,00,000 जंप लेवल काफी नहीं होगी। हल्क भाई मैं जानता हूँ तुम्हें और जंप लेवल चाहिए, तो जाओ और सामने लेक के साथ माउंट चिलियट को भी जंप करके क्रॉस कर लो और बदले में 2,00,000 जंप लेवल जीत लो। 2,00,000 जंप लेवल, ये तो बहुत ही ज्यादा है, पर डिस्टेंस भी तो कम नहीं है। हल्क भाई मैं कह रहा था अगर मैं 1 से ज्यादा जंप यूज करूँ तो। हाँ ना समझ गया गाइस, हमें एक जंप पे लेक के साथ पूरा माउंट चिलियाट भी क्रॉस करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, ये बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है, पर 2,00,000 जंप लेवल के लिए कोशिश तो करनी बनती है। गाइस लगता है बात एक बार फिर से ट्राई करते हैं, इस बार पूरी जान से कूदूंगा। हम बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, इसे कहते हैं जंप, और जंप लेवल तो बढ़ते जा रहा है। 350K, 360K, 370K, लेक तो क्रॉस कर ली हमने, अब माउंट चिलियाट की बारी है। गाइस हो गया, पर अभी एक चीज बाकी है, वो है लैंडिंग। अब बस लैंडिंग सही से हो जाए, सभी लोग सामने से हट जाओ। तेरे को भी यहीं घुसना था क्या? गाइस जंप लेवल देखो, ये 4,00,000 से ऊपर जा चुका है और अभी तो 2,00,000 और मिलने वाले हैं। 6,00,000 से ऊपर हो चुका है जंप लेवल। सुनो मेरी बात, अगर तुम उस ड्रैगन टावर के टॉप तक पहुंच जाते हो तो मैं तुम्हें 2,00,000 जंप लेवल दूंगा, पर ध्यान रहे एग्मैन की कुछ खास बंदे यहाँ पर घूम रहे हैं। ओ अच्छा, इनको तो मैं ऐसे ही देख लूंगा। और ये बूम, बस इतना ही दम था, किसी को आना है तो आ सकता है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अरे भाई अभी तक हवा से नीचे गिर रहे हैं। ओ अच्छा थोड़े से बच गए थे, कोई नहीं आ जाओ। और ये बूम, मैंने तो दूर मारा था। गाइस जंप लेवल है 6,50,000 के पार, अब बस टावर के टॉप तक पहुंचना है। और ये गाइस जंप देख रहे हो ना, मैं तो ऊपर जाते ही जा रहा हूँ, टावर को भी क्रॉस कर लिया मैंने और अब वापस से नीचे को जा रहे हैं। आराम से लैंड हो जा। हो गया, हम लोग टावर के टॉप पर हैं। गाइस हम तो बहुत ही ज्यादा ऊपर हैं, मतलब बादलों से भी ऊपर। माउंट चिलियट भी कितना नीचे है हमारे। अब क्योंकि मैंने चैलेंज कंप्लीट कर लिया है तो हल्क को मुझे 2,00,000 जंप लेवल देने होंगे। ओ गाइस जंप लेवल 9,00,000 पार कर चुका है, पर स्पेस तक पहुंचने के लिए मुझे 10,00,000 जंप लेवल चाहिए, तो कैसे भी करके मुझे और हाइट पे पहुंचना होगा। गाइस वहां ऊपर तो एक प्लेन है, अगर मैं वहां तक पहुंच जाता हूं तो स्पेस तक पहुंचने के लिए मेरा डिस्टेंस और भी कम हो जाएगा और साथ ही मेरा जंप लेवल भी इम्प्रूव हो जाएगा। प्लेन के ऊपर तो पहुंच चुके हैं, बस लैंडिंग सही से हो जाए। फाइनली हम सही सलामत प्लेन के ऊपर पहुंच चुके हैं। बाप रे बाप, इतनी हाइट पर है हम लोग। गाइस वहाँ ऊपर प्लेन जैसा कुछ तो है, यानी अभी हम और भी ऊपर जा सकते हैं। कम ऑन, 930K, 935K, 940K। गाइस यहाँ तो अंधेरा शुरू हो गया, शायद हम स्पेस की काफी पास हैं। हो जा यार, हो गया। जंप लेवल है 9,50,000 से ऊपर, और ये तो एक स्पेस शटल है, पर मुझे अभी स्पीड लेवल 10,00,000 चाहिए ताकि मैं स्पेस तक डायरेक्टली जंप कर पाऊँ। पर स्पेस शटल से ऊपर भी कोई चीज हो सकती है क्या?
गाइस वहाँ कुछ तो है पर इतने अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब तो वो वहाँ पर पहुँच के पता चलेगा। वो जंप लेवल, ये तो बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। 9,70,000, 9,80,000, 9,90,000। यस गाइस जंप लेवल 10,00,000 पार कर चुका है। लैंडिंग भाई लैंडिंग। गाइस ये तो एक ब्लिंप है, ये कब से इतने ऊपर उड़ने लग गए। सही में हम तो बहुत ज्यादा ऊपर है। ये 1,000,000 का जंप पावर काफी होगा डायरेक्टली स्पेस तक पहुंचने के लिए, तो पूरी जान से जंप करते हैं। और गाइस मैं अपनी पावर को और भी बढ़ाने वाला हूँ, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। बूम, आउच, लैंडिंग पर अब भी काम करना बाकी है। और वो रहा एगमैन, आखिर में तुझ तक पहुंच गया। अब जल्दी से मुझे वो डायमंड वापस कर, ये मेरा इलाका है, तो चुपचाप से यहाँ से निकल ले। चुपचाप से निकल लूं? ओ अच्छा, तुझे पता नहीं है पर मेरा जंप लेवल 1,000,000 हो चुका है। तेरे को एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अबे ये क्या कर रहा है, छोड़ मुझे। और ये डायमंड मेरा है, मैं कहता हूँ छोड़ मुझे। छोड़ता हूँ ना, पहले एक पटकी तो खा ले। और ये गाइस मैं अपनी जंप लेवल के मजे लेता हूँ, तब तक जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दो। और गाइस एक गुड न्यूज है, फाइनली हमारे चैनल पे 2,00,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, तो सबको कांग्रेचुलेशंस एंड बहुत बहुत थैंक यू। और जिसने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दो। और गाइस कमेंट करना आपको ये वीडियो कैसी लगी, ओके नाइस वाओ या ओपी, या आप लोग अपने मन से कुछ भी अच्छा से कमेंट कर देना, इससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। नाउ फर्स्ट शॉट गोज टू आदित्य एंड सेकंड शॉट गोज टू हर्ष। थैंक यू भाई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।